शॉपिंग के नाम पे मेरी तो लॉटरी लग गई है। 10-20 रुपए में मैंने शॉपिंग की है, क्या क्या मैंने लिया है, और इनमें फ्लावर वाले प्लांट ही लगाऊंगी जो मैंने फ्री में ही बनाए हैं। कैसे मैंने बनाए हैं वो भी देखना। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने शॉपिंग की है मार्केट से, और ये वाले जो प्लांटर हैं मेरे 20-20 रुपए के हैं, यानी मैंने जितनी भी शॉपिंग की है सिर्फ 10 रुपए में और 20 रुपए में ही की है। तो आप देख सकते हो ये वाले जो हैंगिंग प्लांटर हैं ये मैंने 6 लिए हैं और ये मेरे को 20-20 रुपए में पड़े हैं। और ये वाले जो पॉट आप देख रहे हो, ये सबसे पहले मैंने ये 30-30 रुपए में लिए थे, लेकिन अभी मैं मार्केट गई थी परसों ही, तो मार्केट से मैंने ये सिर्फ 20-20 रुपए में लिए थे। ये वाले जो पोट है ये मेरा बेटा लेके आया था, ये भी वो 20 रुपए का ही लेके आया था। तो मैंने 5 प्लांटर खरीदे हैं, ये रेड वाले ये 20-20 रुपए के, यानी 100 के मेरे को 5 पड़े हैं, और ये जो ब्लू वाले आप देख रहे हो ये 4 हैं, ये बेटा लेके आया था 20-20 रुपए के। तो फ्रेंड्स ये मेरी शॉपिंग है। और ये वाला जो है ये है वर्मी कंपोस्ट, ये सिर्फ 10 रुपए किलो पड़ा है मेरे को, और कहाँ से पड़ा है वो बताती हूँ। ये वाली जो है ये हिसार में पिछले दिनों किसान मेला भरा था HU यूनिवर्सिटी में, वहीं से मैंने खाद मंगवाई थी। और एक वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि आगे नेक्स्ट में किसान मेला भरेगा तो मैं ये खाद मंगवाऊंगी। ये 10 रुपए किलो ही पड़ी है, ये 5-5 किलो के कट्टे हैं, तो 10 किलो अब की बार मैंने मंगवा ली। एक बार पीछे मंगवाई थी तब किसान मेला भरा था, उस टाइम मैंने 5 किलो मंगवाई है। तो ये 10 रुपए की ही शॉपिंग है, यानी 10-10 रुपए में ही मैंने ये खाद ले ली और 20-20 रुपए के मैंने पोट ले लिए। तो मेरी बिल्कुल ही सस्ती शॉपिंग है, यानी यूं मान के चलो कि मेरी तो लॉटरी सी लग गई है। ये वाले जो बड़े वाले पोट हैं, जो रेड वाले और ये ग्रीन वाले आप देख रहे हो, ये वाले जो पोट है पहले मैंने यहाँ पे 30 रुपए में लिए थे, यानी मेरा 10 रुपए का बचत हो गया और मेरे को ये इतने सारे मिल गए। तो वैसे तो 20 रुपए में बहुत सारे थे। और आप देख सकते हो ये वर्मी कंपोस्ट है, ये बहुत ही बेस्ट होती है प्लांट के लिए। आपको गोबर की खाद या कोई अलग से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर एक मुट्ठी भी अगर 10 या 15 इंच के गमले में डाल देंगे तो आराम से आपके प्लांट चलते रहेंगे। और ये वो पोट है जो हैंगिंग प्लांटर है, इनमें मैंने छेद कर लिए थे क्योंकि इनमें मैंने पौधे लगाने हैं। और पौधे भी मैं आपको बताऊंगी फ्रेंड्स, मेरे फ्री के ही हैं, मैंने पौधों की शॉपिंग नहीं की है, मेरे सभी फ्लावर वाले प्लांट ही हैं। और आगे नेक्स्ट में देखना उनमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होएगी। मैं इनको लगाने के लिए कैसे मिट्टी तैयार करती हूँ वो देखना। तो ये देखो ये मिट्टी जो है ये है बालू मिट्टी, इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाई थी मैंने, ज़्यादा नहीं मिलाई थी, तो मैंने बालू मिट्टी ले ली है। आपके एरिया में जो मिट्टी है वो आपको मिट्टी लेनी है। जब भी आप कोई प्लांट लगाए या शेड लगाए या प्लांट को रिपोर्ट करें तो आप ऐसी ही मिट्टी ले जो आपके एरिया में हो, उसमें आप थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट मिला ले। अगर वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गोबर की खाद मिला सकते हैं। तो मेरे पास तो ये 10 रुपए किलो पड़ गई और बिल्कुल सस्ती मिल गई और मैंने 10 किलो मंगवा ली। तो अभी नेक्स्ट में जब फिर से किसान मेला भरेगा तो कहीं से भी हो, हिसार में होएगा, तो मैं मंगवा लूंगी। तो फ्रेंड्स ऐसे मेरे को सस्ती शॉपिंग तो पड़ी है, और जो मेरे पौधे हैं वो भी आपको दिखाऊंगी जो मैंने फ्री में ही बनाए हैं, कैसे मेरे बने हैं और कहाँ पे मैंने उनको लगा लिया है, कितने बड़े हो गए हैं। तो फ्रेंड्स मैंने बीज ही लगाए थे, ऑनलाइन बीज मंगवाए थे। ये वाले पौधे आप देख सकते हो ये सभी फ्लावर वाले प्लांट हैं, और ये काफ़ी दिन हो गए, ये काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, 1 मंथ के अकॉर्डिंग हो गया है। तो अभी इनको रिपोर्ट करने की बारी आ गई है, यानी ये जो प्लांट है काफ़ी घने से हैं, इसलिए मैंने इनमें रिपोर्ट करना है। और ये जो मैंने गमले लिए हैं इनको मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में देखना, इनको मैं कैसे हैंग करूँगी वो भी देखना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, इनके लिए मैं जुगाड़ बनाने वाली हूं, वो नेक्स्ट वीडियो में देखना। तो प्लांट रिपोर्ट करना हो तो आप कैसे प्लांट को उठाए, प्लांट को आप मिट्टी समेत ही उठा लें ताकि आपके प्लांट्स की जो रूट्स है वो ना दिखे, और आपका जो प्लांट है वो यूं के यूं मिट्टी के समेत ही आप अपने दूसरे पोट में रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे देखो फ्रेंड्स, ये सारे ही बीज मैंने ऐसे ही डाले थे, तो ये अलग अलग वैरायटी के ये पौधे बन गए हैं। मैंने ये देखो कैलेंडुला के भी डाले थे, इसमें भी छोटे छोटे ये प्लांट बन गए हैं, बीज लगाए थे कैलेंडुला के। तो और ये वाला जो है ये अल्ट्रानेथ्रा है, ये सर्दियों में थोड़ा सा रेड रेड इसकी पत्तियां हो जाती हैं, तो ये बहुत ही प्यारा लगता है। हैंगिंग प्लांट बनाना, हैंगिंग बास्केट में लगाना है तो ये बेस्ट प्लांट है। तो ये देख सकते हो ये छोटे छोटे मैंने बाद में बनाए थे, यानी बाद में शीट डाले थे। इस ये वेस्ट में ही मेरे पास एक टब था, इसी में मैंने सारे शीट डाल दिए थे। तो मैं यहाँ से इन पौधों को ले लूँगी और मेरे हैंगिंग जो प्लांटर हैं उनमें मैं लगाऊंगी, और लगाने का तरीका मैं बताऊँगी, और लगाने के बाद आप कैसे इनको रख सकते हैं वो भी बताने वाली हूँ।
तो ये पौधे मैंने ले लिए हैं जो मेरे फ्री के हैं, और सभी मेरे फ्लावर वाले प्लांट ही हैं। तो मेरे फ्लावर वाले प्लांट फ्री के बन गए हैं। अगर मैं इनको अलग अलग रिपोर्ट कर दूंगी तो मेरे 10-15 पौधे बन जाएंगे और ये अच्छी सी ग्रोथ भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, चाहे तो आप बीज लगाए तो बीज को चाहे आप अलग अलग छोटे छोटे जैसे नर्सरी पॉट आते हैं उनमें लगा लें, या फिर ऐसे जैसे मैंने इकट्ठे ही डाल दिए थे ऐसे भी लगा सकते हैं। बट अगर आपको अभी भी बीज लगाने हैं तो वैसे लगा सकते हैं। वैसे तो जो बीज लगाने का जो टाइम होता है वो अक्टूबर होता है। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको फ्लावर वाले प्लांट के बीज लगाने होते हैं, ताकि हमारा अक्टूबर के लास्ट तक हमारे जो प्लांट हैं वो रिपोर्ट करने लायक हो जाएं। तो देखो फ्रेंड्स, वैसे अगर आपको पता हो तो ये जो प्लांट है मैं लगा रही हूँ इसका आपको अगर नाम पता है तो प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर बताना। वैसे तो फ्रेंड्स मैंने इकट्ठे ही डाल दिए थे, तो अभी मेरे को नहीं पता कि ये कौन कौन से प्लांट बने हैं। जब इनमें फ्लावर आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि ये वाले कौन कौन से प्लांट हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसे ही गुच्छे में बहुत सारे इकट्ठे उग आए हैं, और इनको अलग अलग रिपोर्ट कर देंगे तो ये अच्छी सी ग्रोथ पे भी होंगे और इनमें फ्लावर की संख्या भी बढ़ेगी। अगर इकट्ठे ही ऐसे झुंड में पड़े रहेंगे तो ये ना तो ग्रोथ करेंगे ना ही इनमें ज़्यादा अच्छे फ्लावर आएंगे। तो ये मेरे 20-20 रुपए के पॉट हो गए, हैंगिंग पॉट, जो बिल्कुल ही सस्ते हैं। एक बार मैंने यहाँ गली में से किसी भाई से लिए थे ये, तब मैंने 30 रुपए के लिए थे। अभी मेरे को बिल्कुल ही सस्ते पड़े हैं, यानी मेरे हर प्लांट पे 10 रुपए की बचत हो गई और मेरी बिल्कुल ही यूँ मान के चलो बिल्कुल ही सस्ती शॉपिंग है। तो फ्रेंड्स, ऐसे तो आप वैसे तो प्लास्टिक बोतल के भी प्लांटर बना सकते हैं। मेरे चैनल पे बहुत सारे आइडिया आपको मिलेंगे, बट ये वाले जो हैंगिंग प्लांटर मेरे को लेने ही लेने थे। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मेरे को ये लेने हैं, और इनके लिए क्या करना है वो भी मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। इनको आपको कैसे हैंग करना है, इनके लिए मैं एक जुगाड़ बिठाने वाली हूँ, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अलग अलग करके मैंने ये अपने हैंगिंग प्लांटर तैयार कर लिए। इनमें फ्लावर वाले प्लांट जो मेरे फ्री के हैं वो लगा दिए, और ये वाला जो पॉट है इसमें मैं ये अल्ट्रा नेथ्रा लगा दूंगी। ये अल्ट्रा नेथ्रा भी मैंने कटिंग से ही लगाया था, छोटी छोटी 2-3 कटिंग ही इसमें टब में लगा दी थी, और ये देखो अच्छी सी ग्रोथ हो गई है इनकी। तो हैंगिंग पॉट के लिए बेस्ट रहता है ये। गुच्छों में ऐसे अगर इसको ऊपर से प्रून कर देंगे तो पूरा ही ये अपना हैंगिंग पॉट जो है, ये हैंगिंग बास्केट बोल सकते हो, इसको पॉट बोल सकते हो, ये पूरा ही भर जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे 6 के 6 पॉट मैंने सभी पौधों से मैंने भर दिए हैं, यानी फ्री के मेरे फ्लावर वाले प्लांट बने हैं उन्हीं को मैंने लगा दिया है। तो फ्रेंड, जितना ज़्यादा हो सके मैं फ्री की चीज़ें ही यूज करती हूँ। ये वाले जो शेड हैं मैंने 145 में मंगवाए थे, और उसमें बहुत सारी वैरायटी थी, 30-40 के आसपास वैरायटी थी। तो उसमें फ्लावर वाले प्लांट के शीड थे सभी, तो कुछ तो मेरे ग्रो हुए हैं, कुछ नहीं भी हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन वाले शीड ये नहीं है कि सारे ही ग्रो हो जाएंगे, कुछ नहीं भी होते हैं। तो अगर आपको ये लगे कि भाई सारे ग्रो नहीं होते तो आप नहीं भी ले सकते हैं, बाकी तो कहीं से भी ले सकते हैं। आप फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, कहीं से भी आप ऑनलाइन शीड ले सकते हैं, या फिर आप मार्केट से भी ला सकते हैं। मैंने 2 बार ग्रो किए हैं पिछले सीजन सर्दियों में, यानी अक्टूबर वाले मंथ में मैंने बहुत सारे प्लांट फ्री में ही ऐसे बीज से ही बनाए थे। नर्सरी से अगर हम एक पौधा लेके आएंगे तो आपको 40-50 रुपये में मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ तो 40 से नीचे कोई प्लांट मिलता ही नहीं। ये जो हमारे छोटे छोटे मैरीगोल्ड होते हैं, ये पिटूनिया होते हैं, ये कैलेंडुला होते हैं, ये 40 से नीचे कोई देता ही नहीं। कौन सी भी नर्सरी में चले जाओ चाहे, तो यहाँ पे जो मेरा एरिया है यहाँ पे प्लांट महंगे मिलते हैं। अगर हम एक प्लांट 30-40 रुपए में लेके आएंगे तो फिर कितनी हमारी महंगी शॉपिंग होगी। इससे अच्छा आप टाइम रहते ही बीज लगा लें, और बीज लगाने के बाद ऐसे जब पौधे बन जाए तो आप इनको अलग अलग रिपोर्ट कर दें, आपका जो गार्डन है फिर फूलों से भर जाएगा, ना तो फ्लावर वाले प्लांट की कमी रहेगी। और अगर आपको कहीं से अगर सस्ती शॉपिंग मिलती है तो आप ज़रूर करें, क्योंकि वो फ़ायदेमंद रहती है। कभी कभी ऐसा मौका मिलता है कि सस्ती शॉपिंग आपकी हो जाती है। तो ये वाला जो पौधा है इसके अंदर, ये देखो फ्रेंड्स, ये वाला जो पौधा है इसको भी मैं निकाल के इसमें येलो कलर के फ्लावर आते हैं, और ये वाला जो प्लांट है ये तो मेरे पास पहले भी है। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो है येलो फ्लावर आते हैं इस पर, मैं भूल जाती हूँ इसका नाम, बट मेरे पास बहुत सारे हैं, ये बीज से ही बने हैं। इसको मैं इस बड़े गमले में लगा देती हूँ, थोड़ी सी मिट्टी बच गई थी। और ये मैरीगोल्ड देख रहे हो आप, ये छोटा सा ही प्लांट है, बीज से ही बना है, इसको भी मैं इसमें लगा देती हूँ। तो मैरीगोल्ड को भी अगर आपके पास अभी माला आएंगी, या माला है कोई, फूल है कोई मैरीगोल्ड का, एक फूल से ही आप ढेरों पौधे लगा सकते हैं। ये मेरा कड़ी पत्ता था।
तो फ्रेंड्स ये मेरे जो प्लांट थे फ्लावर वाले, इनको मैंने सेपरेट कर दिया है। हैंगिंग पॉट मेरे तैयार हो चुके हैं और इन हैंगिंग पॉट को मैं ऐसे ही नहीं रखने वाले हूँ, इनके लिए मैं एक जुगाड़ बनाने वाली हूँ, वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर ले, और अगर आपको ये मेरी सस्ती सी शॉपिंग और मेरे फ्री के प्लांट वाला आइडिया अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।